प्लीज। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? धन्यवाद। जी, क्या ये कैक्टस है? अब मुझे क्या मिलेगा? इसे चाटना होगा। ये भयानक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे बारे में क्या, इसे खाने की जरूरत है? पहले कौन शुरू करेगा? पॉली, चलो तुम। क्या, शायद ये कांटेदार नहीं हो? नहीं, ये बहुत नुकीले है। ठीक है पॉली, अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती वेंसडे, लेकिन मुझे क्यों? ठीक है, मैं अपनी जीप को बाय बाय कह सकती हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं इसे इस तरह देखूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेचारी छोटी पॉली, दादी के पास एक आइडिया है। अब मैं तुम्हारे जीप को बैंडेड से ठीक करने जा रही हूँ। चलो करती हो। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बढ़िया। क्या कैक्टस अभी भी यहाँ है? कितना बुरा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। काटने से पहले मुझे कांटों को कैक्टस से हटाना होगा। वे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारे कांटे हैं। फिर हम समस्या को अलग तरह से हल करेंगे। मैं कैक्टस में आग लगा दूंगी। चिंता मत करो, तुम कैक्टस नहीं हो, मैं तैयार हूँ। यह जल रहा है अच्छे से। ओ हाँ, ध्यान दो, यह बिल्कुल साफ कैक्टस है। और अब मैं इसे काट सकती हूँ। कैक्टस उतना बुरा नहीं है, इसलिए मैं यह कर सकती हूँ। और मैंने कर लिया। तालियों की जरूरत नहीं है। दादी जागो। क्या कोई सो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे ढक्कन खोलना है। क्या, ये डॉग फूड है? ये काट लेने का समय है। पॉली, धोखा मत दो। वेंसडे, लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे पास है, मुझे इसे चाटना है। और मुझे इसे खाना होगा। कितना डरावना। मुझे ये नहीं चाहिए, ये कुत्तों के लिए है और मैं एक इंसान हूँ। दादी, मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप पहले करो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से ट्राई करती हूँ और इसे भूल जाऊंगी। छी, ऐसी गंध को भूलना मुश्किल है। बिल्ली के खाने से भी बदतर है। दादी पर मत हंसो, यह देखना बेहतर है कि पॉली कैसे खाना खाएगी। और मैं इसे तुरंत ट्राई करूंगी। बहुत खराब महक है। दादी, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? क्या, चम्मच? क्या आपको लगता है कि इससे आसान होगा? है, चलो खाकर देखती हूँ। स्वाद मुझे पसंद है। हाँ, क्या उसे यह पसंद आया? क्या मैंने सब कुछ सही ढंग से सुना है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच्ची में यह पसंद है। अब मैं टोस्ट पर इसे फैलाऊंगी और यह कई ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना स्वादिष्ट है। ओ वाओ, दादी आप नाश्ते के लिए हर दिन मेरे लिए ऐसा बना सकती हैं। ओ नहीं बेबी। वेंसडे, अब ढक्कन खोलने की तुम्हारी बारी है। कोई बात नहीं, यह किस तरह की गंदगी है? वेंसडे, यह एक रेनबो केक है। यह बहुत सुंदर है, काश मैं इसे खा पाऊंगी। मेरे पास है कुछ नहीं। मुझे एक बाइट लेना होगा और मुझे इसे चाटना है। हुर्रे, ये कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। तो मैं पहले शुरू करूंगी। पॉली, मैं हर चीज देख रही हूँ, चिंता मत करो, मैं बस इसे चाटने वाली हूँ, वो भी एक सर्कल में। यह कितना स्वादिष्ट है। पॉली रुको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ चाटने के लिए थोड़ा बचा है, चलो अब तुम ले लो। एक बिल्ली भी तुम्हारे बाद नहीं खाएगी। यह लो तुम। कैसा लगा केक, तुम्हें पसंद आया? तुम क्या कर रही हो? अब तुम यह लो। अच्छा, तुमने ऐसा कैसे किया? अब मैं तुम्हारे ऊपर इसे डालती हूँ और यह तुम्हारे लिए है। ओह ओह, लड़कियों, क्या कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मत करो। ओह, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ क्या हो सकता है? पॉली, चलो तुम करो। ओह, क्या सभी ने अपने कार्ड्स तैयार कर लिए हैं? अरे, दादी इसे खा सकती है। और मेरे पास कुछ नहीं है। ओह, और मुझे चाटना है। खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। फिर मैं शुरू करूंगी। नहीं, मैं। आप सब कुछ खा लोगी और फिर मेरे पास चाटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वाह, यहाँ एक स्वादिष्ट सॉस भी है।
चलो मैं सब चाटूंगी एक के बाद एक। खैर ओह कम से कम मैं इसे खा सकूंगी। हालांकि नहीं ये बहुत गंदा लग रहा है। पॉली वो तुम्हारी थूक में ढका हुआ है। शायद अब दादी को इसे खाने की जरूरत नहीं है। वेंसडे पॉली ओह तुम्हें अपनी दादी के लिए जरा भी दया नहीं है। ठीक है लेकिन बस थोड़ा सा। छी भयानक मैं नहीं खाऊंगी। ओह आप क्या तुम चाहती हो? क्या तुम्हें ये बर्गर चाहिए? चलो ले लो ठीक है मुझे ये बर्गर खाना अच्छा लगेगा। यह अभी भी स्वादिष्ट है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक है। धन्यवाद दादी। यहाँ क्या है? ओह क्या ये ऑक्टोपस है? मुझे आशा है कि वह जिंदा नहीं है। काश मुझे कुछ नहीं करने को कार्ड मिले। मेरे पास है कुछ नहीं। क्या इसे काटना है और मुझे चाटना? कितना बैड लक है। दादी शायद हम रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं। जो हारेगा वो पहले करेगा। ओ मैं जीत गई। चलो अपने ऑक्टोपस को चाटो। छी ये कितना गंदा है। इतना घिनौना। मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? किसी तरह के स्लाइम से ढका हुआ है। छी मैं इसके पैरों से शुरू करती हूँ। यह कम बुरा दिख रहा है। यह खराब है। मुझे अपनी बेचारी जीभ के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। दादी अब आप इसे खा सकती हो। क्या इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है मुख्य बात जल्दी से काम करना है। कितना डरावना है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। यह रबर की तरह लग रहा है। उसने मुझ पर हमला किया। लड़कियों इस समुद्री राक्षस को मुझसे दूर करो। वो मेरा सिर खा रहा है। मैं इसे अभी हटा दूंगी। उफ़ यह काम नहीं किया। दादी आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है? आपके चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे को? ओ नहीं मेरा सुंदर चेहरा उस समुद्री जानवर के पैर से बर्बाद हो गया। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं। बस इतना ही। ओह बच्चे तुम सावधान रहो। तुम दादी को डरा रही हो। दादी मुझे भी तेल लेना होगा है ना? मुझे याद है मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ यह ले लो और यह। ओह ठीक है हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है। हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला यह सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ यह अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन कुछ कमी है। मुझे पता है डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह मेरी आँखें रुक ही नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। ओह कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है।
और स्वाद यह भी सामान्य है, मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ, मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा, रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छे सैलेड कैसे सर्व की जाती है, और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है, यह दलिया नहीं है जेन, फाइव स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं, और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है, तेल की एक छोटी बोतल, आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते, क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या, मेरे पास सब्जियाँ काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओ, कितना भयानक, ये बचे हुए सामान की बाहर की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार, मैं इसे ट्राई करूंगी। कितना बेकार, नहीं मुझे यह सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद, स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल, ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी, हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ, मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। ये नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं दो अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी, मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी, दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओ वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है, मैं इसे चुनती हूँ। मैं यह जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा,
मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है, मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी, मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओ, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज, मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डाले। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री, यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओ, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था। ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज, स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है, और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा। मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मेला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा।
अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे मुझे हबा बबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है। क्या यह सही नहीं है? उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर? ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है। और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ सच में, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। वे रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह कमाल का निकला। हाँ यह अच्छा लग रहा है, चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ। ओके, हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है ये एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है। उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है। और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट बिल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले। हुर्रे बारिश, यह अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? आ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूली, तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आंखों का समय है, उन्हें न केवल खा सकते हैं बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, यह आंखों को चखने का समय है। कैसा है, स्वादिष्ट? बहुत, मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, वे इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। छी, कितना गंदा लग रहा है। कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आंखें निकल रही है। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारते कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको,
अब मैं तुम्हारे मुंह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई, तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। ये रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिलेगा, बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी, लेकिन लहसुन नहीं। ये बहुत खराब है, अजीब है। किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है? ये बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छिले हुए लहसुन में। हो गया। और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा, बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मिला या तुम्हारी गलती होगी, और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, ये सच में गंदा लग रहा है। ये मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। छी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। ओ, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह। दोस्तों, खाना खाना बंद करो, तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने कि बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाह, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताज़ा स्ट्रॉबेरी काट लूंगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे, चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियाँ कहाँ ला रही हो? बस इतना ही, देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए बर्तन में निकाल लेते हैं, और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, आपका है? मेरा नहीं, शायद एमा ने इसे गिरा दिया।
क्या ये बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए? ये सभी सामग्रियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं। अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया, हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है, चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़ें। ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमय असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है। लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओह हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, यह अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ और इसे कटोरी में रख देती हूँ। ओह, मैं क्या करूँ? न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसे फ्रिज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। ओ मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है, जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाओ, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाओ, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम, मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओ, क्या ये सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे, मुझे तुम्हें प्यार करने दो, मैं जीत गई। वाओ। दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाओ, पैनकेक्स, बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुए। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है। फिर मैं क्या करूँ? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है, उसकी तरह मैं एक आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डालमेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। अरे, ये काम किया। एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड और तुम देखना। जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं, एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा, ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स पे दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है।
ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। बस करो, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओ हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट। और अब ब्लेंडर चालू करें। ओ नहीं, ऐ माँ, हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। ऐ माँ, चलो। ओ माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है। और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल, मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ। और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी। और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं। और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। लाइट किसने बंद की? डाली, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाए, शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल चाहिए। हम इसे एक ग्लास में रखते हैं। फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास, अनानास में सब कुछ डालना है। और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़े। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं। और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाओ, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह, कितना मीठा। मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी। यह सभी सामग्री यहाँ क्यों है? मार्गो अब हमें बताएगी। मुझे नगेट्स चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, जरूर। हाँ, सब करूँगी। हमें जल्दी शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अधिक काम है। हम चिकन फिले लेते हैं। बढ़िया, ध्यान से आधे में काट लेंगे। और अब हम अपने कुकी कटर का उपयोग करेंगे। वाओ, कितना अच्छा। क्या ये डायनासोर होंगे? दादी, आप मेरे लिए क्यों नहीं बनाती? ये बहुत प्यारे हैं। हर चीज का एक कारण होता है। अब हमने चिकन फिले से डायनासोर के आकार को काट लिया। बढ़िया, धन्यवाद एमा। धन्यवाद शेफ। नहीं, सब रुको और मुझे देखो। अब मैं तुम्हें असली नगेट्स दिखाने जा रही हूँ। मुझे मछली को छोटे टुकड़ों में काटना होगा। बढ़िया, अब इस पर मोटे नमक और काली मिर्च छिड़के। नगेट्स को कुरकुरा बनाने के लिए मछली को ब्रेड क्रम में भी डुबोएंगे। हाँ, यह ब्रेड क्रम अच्छे से लगाएं इस पर। और अब फ्राइंग पैन में तेल डाला और अब इसे फ्राई करेंगे। ओह, क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? तेल बाहर आ रहा है। तो मैं अब अपनी नगेट्स पकाने जा रही हूँ।
बस यहाँ मेरे पास एक ब्रेडिंग है। हम प्लेट पर ब्रेड क्रम्ब डालते हैं और हमारे डायनासोर नगेट्स को उसमें रख देते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे पर एक पार्चमेंट शीट डालते हैं और डायनो नगेट्स को फैलाते हैं। हम उन्हें अवन में पकाने के लिए डालते हैं और घड़ी को मार्क कर देती हूँ ताकि उनके बारे में ना भूले। और अब थोड़ी झपकी ले सकती हूँ। दादी, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। चिकन गंदा लग रहा है। मैं एकदम नए तरीके से नगेट्स बनाऊंगी। ऐसा पक्का किसी ने कभी नहीं किया होगा। मेरे पास कुछ अद्भुत मार्स कुकीज हैं। अब मैं उसे ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। ये स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसे नगेट्स के लिए छोड़ना होगा। हाँ, इसे ग्रेट कर लेती हूँ। और अब पीनट बटर, इसे क्रम्स में डालें और मिक्स करें। बढ़िया, यह चॉकलेट डो तैयार हो गया। पर यह कुछ खास नहीं लग रहा है। और अगर इसमें कोको पाउडर डाले तो कैसा रहेगा? बढ़िया आइडिया। हम चॉकलेट डो के टुकड़ों को कोको में रोल करते हैं और उन्हें एक प्लेट पर फैलाते हैं। जितना हो सके चॉकलेट सिरप डाले और अपना काम हो गया। अरे दादी जागो, आपको तुरंत मेरी नगेट्स देखनी चाहिए। तुमने बहुत कोशिश की। अच्छा किया। उसने क्या बनाया है, कितना घिनौना। और यहाँ मेरी मछली के नगेट्स तैयार हैं। हम सब कुछ एक प्लेट पर रखते हैं और सजावट के लिए सोना निकालते हैं। क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा है? आपको भी चश्मा पहन लेना चाहिए। खैर, मैं चेतावनी देना भूल गई थी। अब नगेट्स पर कुछ सोना रगड़े। अब बढ़िया से। और अब हमें थोड़ा क्रैनबेरी सॉस जोड़ना होगा। यह मछली के साथ अच्छी तरह से जाता है। हमने इसे एक प्लेट पर फैलाया और यह तैयार हो गया। ओह, शेफ ने फिर से एक मास्टरपीस बनाई। ओह, ये मेरी अलार्म घड़ी है। सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। दादी ने समस्या हल कर दी। तो अवन खोले और मेरे तैयार नगेट्स को बाहर निकाले। वाह, क्या खुशबू है। एमा, ये अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तो मुझे परोसने के लिए लेटस चाहिए। हम ब्रोकली को सलाद पर फैलाते हैं और मेरे डायनासोर नगेट्स को रखते हैं। ये बहुत अच्छा निकला। वाह, सबसे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, यह डिश तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे जल्दी से खाना है। अरे नहीं, क्या वे मछली है? घिनौना। चलो इन्हें ट्राई करती हूँ। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। अब हम पता लगाएंगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट सिरप में डिप किया। वाओ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? डायनासोर के साथ एक लॉन। कितना खूबसूरत है। हमें इसे जल्दी आजमाने की जरूरत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डायनासोर। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया। और दादी जीत रही है। हुर्रे, मैं कब से जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ। यहाँ कौन नॉक कर रहा है? मैं खोलती हूँ। हेलो हेलो, जो पैसे लो। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, बॉक्स कितना भारी है। ये तुम्हारे साथ क्या है दोस्त? देखते हैं। आहा, ये इसमें सब सामान है जिससे ड्रीम बेड बनाया जा सके। वह लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी है। चलो इसे जल्दी से फर्श पर रखते हैं। वह क्या कर रही है? ओह, उसने तो पूरी तरह से बॉक्स में गोता लगा दिया। बहुत बढ़िया। ओह, यह कितना बड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा सामान। और अब इंस्ट्रूमेंट्स। ओह, चोट लग गई। तो चलो अब इस बॉक्स को हटा देते हैं। ये रास्ते में आ रहा है। अब वो क्या करने वाली है? बिल्डर मैरी, काम पर लग जाओ। तो हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ इसे। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह जल्द ही बहुत ही सुंदर लगेगा। हाँ, मैं जनजात बिल्डर हूँ। एक बंग बेड, मैंने हमेशा ऐसे बेड का सपना देखा है। कितना आरामदायक। अब उसका बिस्तर तो मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं भी अपने बेड को बेहतर बनाऊंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, इसे जल्दी लाओ। हो गया मिस। वाह, कितना सुंदर है। थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं।
कुछ लाइट भी लगाते हैं। घर को और भी अच्छा बनाने के लिए एक सुंदर पिक्चर भी लगाते हैं। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये कितना अच्छा बन गया, विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी लार पोछो रूममेट। तो अब सबसे अच्छा बेड कौन सा है? ओह, चोट लग गई। और रूममेट वहाँ क्या कर रही है? अरे तुम क्यों झांक रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। हाँ, प्रॉप्स लेंगे। उदाहरण के लिए ये पर्दे बहुत अच्छे हैं। और ये टेबल क्लॉथ भी काम आएगा। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास फैंटेसी है। बढ़िया, जेनिफर से खराब नहीं लग रहा है। अरे मैरी, तुम इंस्ट्रूमेंट्स क्यों फेंक रही हो? अरे तुम्हें पर्दे कहाँ से मिले? और अब टेबल क्लॉथ का गेम होगा, इसे एक अच्छा सा झूला बन जाएगा। वाह, ये बहुत आरामदायक है, इसमें आराम करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, इससे मैरी को जलन होगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। हेलो मिस, ये रहा आपका ऑर्डर। चलो जल्दी से इसे फिक्स कर दो, यहाँ और यहाँ, प्लीज जल्दी करो। हाँ मिस, सब कुछ तैयार है। ये अपने पैसे ले लो। धन्यवाद, बाय। हेलो, मैं तुम सबको अपने कमरे में पार्टी के लिए बुला रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे शानदार घर को देखो। वाह, कमाल है जेनिफर, यह तो सुपर आरामदायक है। हम यहाँ पर्सनल पार्टी कर रहे हैं, किसी को अभी अंदर आना मना है। अब मस्ती करने का समय है। ओह, मेरे पास भी एक शानदार आइडिया है, काम पर लगती हूँ। हाँ, ये टेबल क्लॉथ और अब कटलरी और मेरे अच्छे वफादार दोस्त। हाँ, मेरे दोस्त क्या कर रही है? चलो म्यूजिक जोर से बजाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए कैसा है मैरी? खैर, ये बात है। अब गंभीर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। सिक्योरिटी? हाँ हाँ, मैं अपने कमरे में जोर से शोर के बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए आया है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ आओ, मैं अब सब कुछ दिखाती हूँ। वे यहाँ है, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। हम अभी सब ठीक करते हैं मिस। यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? हमें आपके बारे में शिकायतें मिली हैं मिस। मुझे लगता है मैं समस्या का उपाय जानती हूँ। ये लो। ओह, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बाय मिस। अरे यह क्या है? अच्छा, एक और आइडिया है। यह मेरे पास क्या है? एक चमकता हुआ ग्लोब। अब हम ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं, दिलचस्प होगा। अब हम डिस्क के टुकड़ों को लेते हैं और इसे ग्लोब पर पेस्ट करेंगे। यह बहुत अच्छा तैयार होगा। इसे अच्छे से गोंद से चिपका देती हूँ। कितना सुंदर, अब एक डिस्को बॉल तैयार हो गया। और अब पार्टी का माहौल हमेशा मेरे साथ है। और जो डिस्क बच जाएंगे उसे दीवार को डेकोरेट कर लेंगे। बहुत अच्छा, अब मेरा कमरा चमक रहा है। और अब म्यूजिक स्टार्ट करने का समय है। हाँ, जोर से। दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है। वहाँ क्या हो रहा है? ओह वाह, चलो मेरी के घर चलते हैं। हेलो, हम देखने आए कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है और क्या सोच सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बॉक्स है लैंप्स के साथ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। एक माला तैयार है।
बस इसे अच्छे से लगा देती हूँ। वह क्या कर रही है? ओह कितना अच्छा। मेरे पास कितना शानदार कमरा है। बस इतना ही, रुको मैरी, जल्दी इधर आओ। आइए जल्दी से आइए। मुझे यहाँ चमकने के लिए सब कुछ चाहिए, मेरे रूममेट से खराब नहीं। हाँ हाँ, यही जो मुझे चाहिए, ये अच्छा है। हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है। ये लो तुम्हारा पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वाह कितना अच्छा है। ओ जेनिफर, आग लग गई है। ओ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं इसे सब जल्दी से बुझा दूंगी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल में है। ओह चलो सब ठीक हो गया, लेकिन मेरा घर। कोई बात नहीं जेनी, चलो तुम मेरे घर में रह सकती हो। चलो आओ। हाँ देखो मेरा घर भी अच्छा है ना? हाँ दोस्त, लो मेरे शानदार दोस्तों से मिलो, ये भी बहुत अच्छे है। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। हाँ कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी, मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ, मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ समझ गई, मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं, मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो, थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में ना डूब जाए। दादी आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए, उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो अम्मा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी, वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है, मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटलफिश इंक का उपयोग करूँगी, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो, और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया, यहाँ देखो ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है, यह आटा को रोल करने का समय है, यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है, मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ, अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ, इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम हाउते डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस ये खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है, मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी, बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है, और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। वाह इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ, यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है, मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। हाँ बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक, निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है, मुझे यह हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं यह इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है, पर फिर भी यह अच्छा था। वाह मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे,
सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है। हालांकि मुझे लगता है कि यह स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह कितना गर्म, मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं। हूबहू असली नैचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जेब में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी। बस हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से दो टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसे डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू के कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपिटी बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओ वाह, ओ वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नैचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है, इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटर्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया, और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में यह फाइनल टच, ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, यह अंत में अच्छा निकला।
मैं देख रही थी अपने केक के बारे में, पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह एक कोशिश के लायक है क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। यह एक सीक्रेट है, अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर अब मैं कर रही हूँ, एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है, चक्कर बताओ। वाह खुशी के साथ, कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह एक असली इंद्रधनुष, इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी, ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ केक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है, मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है, ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन, दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी, इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है, मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इसे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी, तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है। नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं सिर्फ क्रीम, मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी, ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई, मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है, मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह बुरा नहीं है, आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं, हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे सब कुछ चेक करके देखना है। ओह दादी यह तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे पाप करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ, मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ।